नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरु जी। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशखबरी है इस वीडियो में लेकर आया हूँ। जैसा कि हम जानते हैं सभी कि उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती हुई थी, कांस्टेबल की काफ़ी वैकेंसी आई हुई थी और काफ़ी फॉर्म भी फिलअप हुए थे, जिसमें एग्ज़ाम जो है वो सेकंड पाली का निरस्त हो गया। लेकिन अब 25 और 26 तारीख को वो होने वाला है, 25-26 अक्टूबर को। लेकिन एग्ज़ाम होते ही आपके लिए एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। देखिए, होम गार्ड की भर्ती जो है वो आने वाली है। मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में नोटिफिकेशन, देखते रहिएगा हमारे साथ। इस पूरी वीडियो को बात करने वाले हैं इस होम गार्ड भर्ती की। तो फ्रेंड्स, बताने से पहले कहना चाहूँगा, जब फ्रेंड ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और इसी के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे को लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी उसमें नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है, वीडियो सबसे पहले देख सके। फ्रेंड्स, यूपी पुलिस की भर्ती को लेकर कोई भी उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती आती है, उसका पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल पर प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, आपको ये अमर उजाला पेपर में मिल जाएगा। अमर उजाला पेपर पर 14-15 पेज में नंबर पर है, वहाँ से देखने को मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं बस आपको अपडेट कर रहा हूँ, कोई आपको न्यूज़ नहीं पढ़कर बता रहा हूँ अखबार, ठीक है। अखबार की न्यूज़ है, लेकिन मैं आपको बस एक बार अपडेट करना चाह रहा था कि जैसा कि पेपर में आया है, बताया जा रहा है नवंबर में होगी 19,000 पदों की भर्ती। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बड़ी भर्ती है, पुलिस की भी काफ़ी भर्ती आई थी और ये भी बहुत भर्ती होने वाली है, 19,000 पदों पर होमगार्डों की भर्ती, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर पढ़कर बता देता हूँ, ये न्यूज़ जो है होमगार्ड राज्य मंत्री अनिल राजभर जी ने कहा कि नवंबर में 19,000 होमगार्डों की भर्ती की जाएगी। इनकी तैनाती कुंभ मेले के साथ ही रेलवे, मेट्रो समेत अन्य सरकारी व सार्वजनिक महत्व के कार्यालयों में की जाएगी। होमगार्डों की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए निर्णय लिया गया कि उन्होंने विवेक तिवारी हत्याकांड में सिपाहियों की अनुशासनहीनता पर सीएम योगी शक्ति पर समर्थन करते हुए कहा कि जो सिपाही ड्यूटी नहीं करना चाहते वो खुशी से नौकरी छोड़ सकते हैं। चले, प्रदेश में अब भी बड़ी संख्या में युवक बेरोजगार और उन्हें नौकरी का मौका मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर बताया गया कि जो कोई नौकरी नहीं करना चाहता छोड़ सकता है, अन्य जितने बेरोजगार हैं उनको नौकरी का मौका मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको लिए भी 19,000 पदों की होमगार्डों की भर्ती जो है आपको मिलने जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस इतनी ही न्यूज़ आपको देनी थी और आपको अपडेट करना था कि तैयार रहे, इलेक्शन से पहले आपको जो है ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।